भाई बच्चों, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? आवाज धीरे क्यों आ रही है आपकी? आज संडे की क्लास में आना पड़ा इसलिए? तो फिर संडे को एक दिन और पढ़ना पड़ रहा है जबरदस्ती, इस वजह से कुछ आवाज कम आ रही है क्या? अब थोड़ी आवाज बढ़ी, बड़ी आवाज तेज हुई, आराम से पढ़ना है। और आज इस संडे की क्लास में हमने जो टॉपिक लिया है पढ़ाने के लिए, वो लिया है बोर्ड मास। क्या लिया है? बोर्ड मास। बोर्ड मास टॉपिक का पूरा नाम है बोर्ड मास, ठीक है। उसमें बी से मतलब है ब्रैकेट्स, ओ से मतलब है ऑफ। आप लोगों की क्लास अभी छोटी है, आप लोग छोटे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अभी आपके सिलेबस में ब्रैकेट्स और ऑफ का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट्स और ऑफ को हटा लिया है और बाकी की चीजों को मैं आज क्लियर करूंगा कि क्या प्रॉब्लम है उनमें। तो बाकी रहेगा हमारे पास बी मास, ठीक। ये बी मास रूल मैंने आज पढ़ाने के लिए सेलेक्ट किया टॉपिक, कि मुझे आज इसके क्वेश्चन समझाने हैं आपको, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं। और इसको लेने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम की जो वजह है वो ये है कि क्लास के टीचर कुछ और पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन टीचर कुछ और पढ़ा रहे हैं, और जिनके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं वो कुछ और पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं कि वो क्लास में आए, स्कूल में आए, क्लास टीचर ने कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराया, घर पे गए, मम्मी ने पढ़ाया सपोज दैट, तो मम्मी ने कुछ अलग तरीके से बताया, ट्यूशन में गए, ट्यूशन टीचर ने कुछ अलग तरीके से बता दिया। तो अब उनके सामने प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो किसकी बात को माने और किसकी को ना माने। तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो कंफ्यूज हैं टॉपिक में। तो आज के इस लेक्चर के बाद उनके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आज मैंने पूरी तैयारी के साथ इसके सारे कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है, ठीक। मैं कोशिश करूंगा कि सारे कंफ्यूजन आपके मेरे इस लेक्चर के बाद दूर हो जाए। तो ये वीडियो लेक्चर है संडे की क्लास का एक्स्ट्रा, इस वीडियो लेक्चर को घर पे जाके सभी लोग जरूर देखें, और देखने के बाद फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन किसी का बचा रह जाता है तो मुझे बताएं कि इस चीज में हमें यहां पर दिक्कत और है, मैं उसको भी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये जो आज का लेक्चर है, सब लोग इसको देख लें, समझ लें, और इसको देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि सारे लोग आप फिर जो अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ाएंगे, जिससे बच्चे का कंफ्यूजन शायद फिनिश हो जाए, सॉल्व हो जाए उसकी प्रॉब्लम, क्योंकि फिर सब लोग एक ही रूल को पकड़ेंगे। और इसमें मैं बहुत आसान तरीके से आपको कुछ तरीके बताऊंगा, दो तीन तरीके हैं बस, अगर आप उनको समझ लेते हैं तो पूरा चैप्टर क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये अराइज होता है यहां पर कि ये बोर्ड मास है क्या चीज, तो पहले समझ ले इसका मतलब क्या है। डी से मतलब डिवाइड, मैंने लिख दिया यहां पर डिवाइड, एन से मतलब मल्टीप्लाई, ए से मतलब एडिशन, और एस से मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये चार बेसिक ऑपरेशन है मैथ्स के, मैथ्स में कोई भी कैलकुलेशन इनके बिना नहीं हो सकती। कोई भी कैलकुलेशन अगर आप मैथ्स में लेंगे तो उसमें ये चारों चीजें आती ही आती हैं। किसी में दो आ जाए, किसी में तीन आ जाए, किसी में चार आ जाए, तो ये दो तीन चार ऑपरेशन आते ही आते हैं। तो ये चारों ऑपरेशन हमको सीखने हैं कि ये चारों ऑपरेशन हम कैसे करते हैं इनको सॉल्व, एक ही क्वेश्चन में चारों आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ठीक। तो इस चैप्टर में हम इन चारों ऑपरेशन की कैलकुलेशन करना सीखेंगे सही तरीके से, कि ये चारों ऑपरेशन सही तरीके से सॉल्व कैसे होंगे, ठीक। तो मैं पहले आपको एक एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहली बात ये करता हूं कि ये जो है
इसका सीक्वेंस हमें सीखने की जरूरत क्या है, इसको सीक्वेंस को हमें जानने की जरूरत क्या है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 3 + 7 × 2, ये मैंने लिया क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दो ऑपरेशन आ गए हमारे पास, एक ऐड और एक मल्टीप्लाई। अब एक बच्चा इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता है कि उसने 3 + 7 को ऐड किया, कितना आया 10, और 10 में 2 का मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया 20, कितना आंसर आया 20। अब दूसरा बच्चा इसको कैसे सॉल्व कर सकता है, दूसरे बच्चे ने क्या किया कि 2 का 7 में मल्टीप्लाई किया 3 + 7 × 2, 14 आया, और 14 में 3 का ऐड किया, आंसर 17 आया। क्वेश्चन हमारे पास सेम है, क्वेश्चन हमारे पास सेम है, एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, 3 + 7 × 2। एक ही क्वेश्चन में हमने दो तरीके से इसको सॉल्व किया, दो आंसर आए हमारे पास, एक आंसर 20 और एक आंसर 17। अब आंसर तो एक ही ठीक होगा, एक ही क्वेश्चन के दो आंसर तो हो नहीं सकते, आंसर तो एक क्वेश्चन का एक ही होगा ना, तो या तो 20 ठीक होगा या 17 ठीक होगा, ठीक। तो अब हम कैसे माने कि 20 ठीक है या 17 ठीक है, जबकि जो क्वेश्चन में था किया वही है, यहां पर ऐड करना था ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई करना था मल्टीप्लाई किया, यहां पर इस क्वेश्चन को पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया 14 आ गया, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद 3 ऐड कर लिया 17 आ गया। तो काम हमने दोनों क्वेश्चन में वही किया है जो इसमें दिया गया है, लेकिन हमने सीक्वेंस चेंज किया है, सीक्वेंस क्या चेंज किया कि यहां पर हमने पहले ऐड किया बाद में मल्टीप्लाई किया, यहां पर हमने पहले मल्टीप्लाई किया बाद में ऐड किया, दोनों में सीक्वेंस चेंज करते ही आंसर चेंज हो गया, यहां आंसर हो गया 20, यहां आंसर हो गया 17। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ सीक्वेंस को चेंज करने से वैल्यू चेंज हो रही है, और वैल्यू चेंज हो रही है इसका मतलब सीक्वेंस को कहीं ना कहीं कोई एक सीक्वेंस गलत है, कोई एक तरीका इसमें से गलत है। तो अगर हम इस सीक्वेंस को नहीं जानते हैं कि पहले में कौन सी चीज सॉल्व कर रही है, तो हम क्वेश्चंस को गलत ही सॉल्व करेंगे, हमसे गलती होने की संभावना बनी रहे। देखिए एक और क्वेश्चन में लेता हूं, आंसर इसका कौन सा ठीक है, क्या बता सकते हैं मुझे सारे बच्चे, बताओ जरा कौन सा आंसर ठीक है, 17, ये वाला आंसर ठीक है। कैसे पता चल गया आपको 17 ठीक है, डी मास के रूल में पहले मल्टीप्लाई आता है बाद में ऐड आता है, तो हमको पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना था बाद में ऐड, कितनी बात आपको पता है, चलिए अच्छी बात है, 17 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक दिया इसने जवाब, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, डिवाइड के रूल में आप क्या कहते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई के रूल में आप क्या कहते हैं कि डिवाइड पहले सॉल्व होना चाहिए मल्टीप्लाई बाद में सॉल्व होना चाहिए, यही सीखा ना आपने, सॉल्व करो, हमने 5 से 35 को डिवाइड किया 7 × 2, 7 × 2 आंसर कितना आ गया, क्लियर। अब हम इसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व करते हैं, हम पहले इसका
मल्टीप्लाई कर ले, क्या कर ले मल्टीप्लाई, तो 35 डिवाइडेड बाय 10, इसको सॉल्व कर पाओगे आंसर कितना आएगा? पॉइंट में आंसर निकालना जानते हो, 10 से डिवाइड करना जानते हो, अगर ये डेसिमल में निकले तो कितना आंसर निकलेगा? इसका आंसर निकलेगा 3.5। तो आपने क्या देखा यहां पर कि सीक्वेंस चेंज करने से वैल्यू बदल गई, यहां पर आपने डिवाइड पहले सॉल्व किया आंसर आया 40, यहां पर आपने मल्टीप्लाई पहले सॉल्व किया आंसर क्या आया 3.5। तो ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि हमें सीक्वेंस में ही काम करना है, इसका कोई ना कोई एक फिक्स तरीका होता है, इसको सॉल्व करने का एक फिक्स तरीका होता है, और अगर आप उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे तो आंसर बदल जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी और कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ऑपरेशंस हैं डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये डिवाइड मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है इनको सॉल्व करने का एक फिक्स तरीका है, एक सीक्वेंस है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्वेश्चन में कि हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर लें। ठीक है, कि हमने कोई सा भी नंबर लिया और कैसे भी ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, उसका एक फिक्स तरीका है। ठीक है, और वो तरीका आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने तरीका क्या पढ़ा है, आप लोगों ने तरीका ये पढ़ा है कि ये डीमास के रूल में भी पहले आता है, तो डिवाइड सबसे पहले सॉल्व करना है, बाद में मल्टीप्लाई आता है तो डिवाइड सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद एडिशन सॉल्व करना है, और एडिशन सॉल्व करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है, यही तो आपने सीखा है। तो अब यही पे प्रॉब्लम है, आपका जो कंफ्यूजन है वो इसी वजह से है कि ये जो आपने सीखा है कि डिवाइड सबसे पहले सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई उसके बाद सॉल्व करते हैं, उसके बाद एडिशन सॉल्व करते हैं, और एडिशन के बाद सबसे लास्ट में जाके सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं, यही सीखा ना आपने, यही सिखाया गया आपको, तो इसी में प्रॉब्लम है, यहीं पर दिक्कत है, इसी में ये बात पूरी तरीके से ठीक तरीके से पूरी तरीके से समझाई नहीं गई और यहीं में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, इसी वजह से आपके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग क्वेश्चंस की वैल्यू अलग अलग आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, यहीं में प्रॉब्लम है, तो उसी प्रॉब्लम को देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, मैं यहां से शुरू करूंगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करूंगा, तो देखिए 7 + 5 - 3 - 2 ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप इस रूल को अगर अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कौन सी चीज सॉल्व करेंगे, इसमें एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन सॉल्व करेंगे ना, चलिए मैं भी एडिशन सॉल्व करता हूं, 7 + 5 = 12 - 3 - 2, अब एडिशन फिनिश हो गया, अब क्या करेंगे, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 9 - 2 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेता हूं, 7 + 5 ये जो +5 ये लिखा है क्वेश्चन हमारे पास 7 + 5 - 3 - 2, मैं पहले एडिशन सॉल्व नहीं कर रहा, आपके जो डीमास के रूल है आप क्या कह रहे हो कि एडिशन पहले सॉल्व करना चाहिए उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मैंने किया एडिशन पहले सॉल्व किया सब्ट्रैक्शन बाद में, आंसर आया 7। ठीक है, ये लिखा हुआ, अब मैं इसको इस तरीके से नहीं,
चलूंगा इस क्वेश्चन को, मैं पहले सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर रहा हूं। 5 माइनस 3 2 माइनस 2, ठीक है। अब अगर 2 में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं एडिशन सॉल्व नहीं कर रहा, मैं केवल सब्ट्रैक्शन ही सॉल्व कर रहा हूं। आपका जो रूल है उसके अगेंस्ट जाकर मैं काम कर रहा हूं। मैंने इसमें एडिशन सॉल्व करके आंसर निकाला 7, इसमें मैं सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर रहा हूं पहले। तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 2, ये 7 पहले का लिखा हुआ था यहां पर, और माइनस 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ कितने बजे, 0। 7 प्लस 0, 7 प्लस 0 मतलब आंसर कितना आया 7। तो ऐसे भी आंसर 7 आया और ऐसे भी 7 आया। तो आपके रूल के अकॉर्डिंग तो ये गलत होना चाहिए, ये गलत होना चाहिए ना, है ना। आप क्या कहोगे कि ये गलत है? गलत क्यों है? क्योंकि मैंने पहले सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर दिया लेकिन फिर आंसर सेम क्यों आ रहा है, आंसर सेम क्यों आ रहा है? ये गलत है तो आंसर सेम नहीं आना चाहिए, आंसर सेम आ रहा है। एडिशन सॉल्व करने के बाद भी आंसर 7, पहले मैंने एडिशन सॉल्व किया 7, पहले मैंने सब्ट्रैक्शन सॉल्व किया 7, दोनों में आंसर सेम आ रहा है। जबकि आपका रूल क्या कहता है कि पहले एडिशन सॉल्व करना है, बाद में सब्ट्रैक्शन। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, हो सकता है इसमें बाई चांस आंसर सेम आ गया हो। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 9 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 1, ठीक है। मैं इसमें भी सब्ट्रैक्शन पहले सॉल्व करता हूं, 9 माइनस 2 7 9 माइनस 2 कितना हो गया 7 प्लस 5 माइनस 1, ठीक है। 7 प्लस 5 कितना होता है 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 कितना होता है 11। आंसर कितना आया 11, ठीक है। अब आप क्या कहोगे कि ये गलत है? क्यों? क्योंकि मैंने पहले सब्ट्रैक्शन सॉल्व किया है, मैंने पहले क्या किया है, मैंने पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड नहीं किया। आपको रूल में यही बता रहे ना कि पहले क्या करना है, अब मैं पहले ऐड करके देख लेता हूं, अब मैं पहले ऐड करता हूं आपके रूल के हिसाब से चलता हूं, ठीक। 9 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 1, ये क्वेश्चन है हमारे पास, मैं ऐड कर लेता हूं पहले, ठीक। 2 प्लस 5 यही ऐड होगा ना, ऐड करने वाला नंबर यही है, तो 2 प्लस 5 ऐड होते हुए 7 माइनस 1, और 9 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 तो बचेगा 2, और 2 माइनस 1 ही हो गया हमारे पास। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 1, इसमें आंसर 1 आ रहा है, इसमें आंसर 11 आ रहा है, इसमें मैंने प्लस पहले सॉल्व किया है, ऐड पहले सॉल्व किया है, इसमें सब्ट्रैक्ट पहले सॉल्व किया, आंसर कौन सा ठीक है आपके हिसाब से, ये वाला आप किसको ठीक मानोगे, इस वाले को ठीक मानोगे ना? क्यों इसको ठीक मानते हो? इसको ठीक मानने की वजह क्या है? इसको ठीक मानने की वजह ये है कि आपने ये जो रूल सीखा है, इस रूल में ये बताई जा रही है बात कि ऐड को पहले सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट को बाद में सॉल्व करना है। इसमें मैंने ऐड पहले सॉल्व किया है, सब्ट्रैक्ट बाद में सॉल्व किया है, तो आप इस आंसर को ठीक मानते हो, है ना। मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट पहले सॉल्व किया है, ऐड बाद में सॉल्व किया है।
किया है, मेरा आंसर यहां पर 11 आ रहा है। आप इस वन को ठीक मानते हो लेकिन ये बट ठीक नहीं है, ये गलत आंसर है, ये आंसर गलत है। करेक्ट आंसर ये, करेक्ट आंसर ये, जबकि मैंने सब्ट्रैक्ट पहले सॉल्व किया है, ऐड बाद में सॉल्व किया है, और आपका आंसर आपने ऐड पहले सॉल्व किया है सब्ट्रैक्ट बाद में सॉल्व किया है, फिर भी आपका आंसर गलत है, और मैंने सब्ट्रैक्ट पहले सॉल्व किया है ऐड बाद में सॉल्व किया है फिर भी मेरा आंसर ठीक है। तो आपको ये जो बात बताई गई है कि इस रूल के अकॉर्डिंग ऐड पहले सॉल्व करना है सब्ट्रैक्ट बाद में सॉल्व करना है, ये वाली बात में यहां पर लगी नहीं, ये वाली बात में यहां पर लगी नहीं, ऐड पहले सॉल्व कर दिया मैंने, यहां पर कर दिया आंसर आगे बन, सब्ट्रैक्ट मैंने पहले सॉल्व कर दिया इसमें, ऐड बाद में किया आंसर आगे 11, ये आंसर ठीक है ये गलत है, ये ठीक आंसर है करेक्ट आंसर ये है और ये रॉन्ग आंसर है, जबकि आपका रूल आपके रूल के हिसाब से ये होना चाहिए क्योंकि ऐड पहले सॉल्व किया है इसमें। इसका मतलब क्या है कि आपने ये जो सीख लिया है कि एडिशन पहले सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन बाद में सॉल्व करेंगे ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, पूरी तरह ठीक नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंस है और इसमें अंदर कुछ और भी छुपा हुआ है जो कि आपको बात अंदर की पता नहीं है, अंदर की बात पता ना होने की वजह से आपके ये क्वेश्चन इस तरीके के गलत हो रहे हैं। ठीक समझ गए आप, एक आज कोई और एग्जांपल दूं, और एग्जांपल देता हूं, एक और लेता हूं, सारी की सारी प्रॉब्लम